नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध न केवल भारतीय सेना की विजय गाथा है, बल्कि ये युद्ध भारतीय सेना के वीर सपूतों की शान और विश्व में भारतीय सेना की शक्ति और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। और जब 1971 का इस युद्ध ने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व मानचित्र में स्थान दिया, तो वो पल भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम काल रहा। 1971 की इस लड़ाई में अब 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस स्वर्णिम विजय उत्सव को प्रयागराज के सरस्वती घाट पर पूरे उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल ADC योगेश कुमार जोशी, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, सेना मेडल, विजय मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए। उन्होंने इस अवसर पर कानपुर से प्रयागराज तक नौकायान करते हुए 25 सैन्यकर्मियों के साथ संगम तट से सरस्वती घाट तक बोट पर आए और उनको संबोधित भी किया। इस दल का उद्देश्य स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा का प्रचार प्रसार करना था। यहाँ पर कमांडर वाई के जोशी द्वारा 1971 की लड़ाई में शहीद हुए अधिकारियों एवं जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया तथा स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुति रंगारंग कार्यक्रम को देखकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर एक चित्रकला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन कर विजित बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। देखिए, रेड ईगल डिवीजन भारतीय सेना ने प्रयागराज, कानपुर, फैजाबाद, लखनऊ, कई जगह जो है स्वर्णिम विजय वर्ष और आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित समारोह आयोजित किए थे। 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये आयोजन किए गए थे और आज प्रयागराज में यहाँ संगम के पास इसका समापन समारोह है। तो GOC NC नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी इसी के संदर्भ में यहाँ आज पहुँचे हैं। यहाँ पे बोटिंग एक्सपीडिशन जो कानपुर से निकली थी, उसका फ्लैग इन किया जाएगा। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और स्कूली बच्चे यहाँ पे हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे पेश करेंगे और साथ ही में यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है रेडी गल्यूजन की, वो भी है। देखिए, स्वर्णिम विजय वर्ष जो है वो आयोजित किया जा रहा है। 1971 का जो युद्ध था उसमें भारत की विजय को सेलिब्रेट करने के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष आयोजित किया जा रहा है और साथ ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं अगले साल, तो उसके लिए वो आयोजित किया जा रहा है। इन दोनों आयोजन का जो यहाँ पे समारोह आयोजित किया गया है उसको कमेमोरेट और उसको सेलिब्रेट करने के लिए किया जा रहा है। रेड ईगल डिवीजन ने ऐसे कई कार्यक्रम किए हैं, कई आयोजन किए हैं और इन सारे आयोजनों का यहाँ पे आज प्रयागराज में समापन हुआ। समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय चौक में शहर के चिकित्सकों को आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने की जिम्मेदारी दी गई। महानगर अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन की अध्यक्षता वाला महानगर महासचिव रविंद्र यादव और रवि के संचालन में चिकित्सा प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर राशिद खान ने 23 चिकित्सकों को महानगर कमेटी का दायित्व सौंपने के साथ शहर के तीनों विधानसभा अध्यक्षों की घोषणा की। श्री इफ्तिकार ने अपने संबोधन में चिकित्सकों से कहा, आप भगवान का दूसरा रूप होते हैं। आपके पास प्रतिदिन सैकड़ों मरीज आप पर विश्वास करते हुए अच्छे इलाज के लिए आते हैं। आप उन्हें उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार किस प्रकार कोरोना के नाम पर लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही थी, महंगाई, गैस, खाद तेल, पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े दाम ने आम आदमी को ठहरा सा दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने आप महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा सकते हैं, ताकि इस हिटलरवादी सरकार से जनता को छुटकारा मिले और एक सुशासन वाली सरकार बन सके जिसमें सबका विकास और सबका सम्मान हो। चिकित्सा प्रकोष्ठ महानगर कमेटी में डॉक्टर अजय यादव, सैयद अतहर हाशमी को महानगर उपाध्यक्ष, कुलदीप यादव को नगर महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। शिशिर गुप्ता को कोषाध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर SK सिंह शहर पश्चिमी को, मोहम्मद कासिम अंसारी शहर दक्षिणी व मोहम्मद आमिर शहर उत्तरी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। डॉक्टर जावेद अख्तर, डॉक्टर शाकिर हुसैन, डॉक्टर खुर्शीद अनवर, डॉक्टर सैयद असद हाशमी, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर नियाज अहमद, डॉक्टर राशिद अंसारी, फिरोज खान, गुलाम अकबर, शहीदुल इस्लाम, रमीज अंसारी, दानिश अंसारी, मोहम्मद शारिक अंसारी, मोहम्मद फैजान, संदीप, मोहम्मद मजहर को महानगर चिकित्सा प्रकोष्ठ का महानगर सचिव बनाया गया। देखिए, वो साइकिल में मेरी हवा थी और साइकिल में हमारी चेन भी थी।
भी मगर मुंगेरी राव के सपने दिखाकर भाजपा ने जनता को धोखा देकर गलत बातें बताकर लोगों को गुमराह करके वोट ले लिया है। अब कोई गुमराह होगा नहीं, तमाम बेरोजगार लोग, शिक्षा के लोग, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग त्रस्त है। सब पूरा वोट देकर समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसमें कहीं से कोई बात गलत नहीं। ये सारी पार्टियां जनतंत्र है, हिंदुस्तान की सरकार सब लड़ने का हथियार है। हमारी लड़ाई सिर्फ सांप्रदायिक ताकतों से, हम जीतेंगे, हमको कोई हारने वाला नहीं। चिकित्सा के लिए आप जो आज प्रपोज से आप करना चाह रहे हैं, इसके द्वारा क्या करेंगे आप? क्या इंजेक्शन लगवा देंगे या इंजेक्शन लगवाएंगे, क्या करना? इन्होंने कोरोना काल में बड़ा काम किया है, ये देश को बचाया है। सरकार के पास दवाई नहीं थी, सरकार के पास अस्पताल नहीं था, जनाजा दफन करने की जगह नहीं थी, उसमें डॉक्टरों ने कोरोना काल में मेहनत किया है। यही तरह जन सेवा करके हमारी बातों को पहुंचाकर पूरा चुनाव हम जीतेंगे और इनका हमारा सहयोग रहेगा। शहर के सिविल लाइन्स इलाके में हॉट स्टफ चौराहे के पास एक शोरूम में आज कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की है। पैसे के लेनदेन को लेकर युवकों ने शोरूम के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद वहां मौजूद ग्राहकों ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।